everyone how are you all so let's continue our series of multiple choice questions of chapter 13 that is surface area and volume of class 9th and questions are taken from the book rs agrawal in previous videos we have discussed up to question number 30 and in this video let's continue with question number 31 so in question number 31 the ratio between the curved surface area and total surface area of a right circular cylinder इज वन इज टू टू मतलब ये गिवन है सी एस ए एंड टी एस ए पहले सी एस ए लिखा है है ना सी एस एंड टी एस ए तो सीएसए हम ऊपर लिखेंगे टीएसए नीचे लिखेंगे न्यूमरेटर डिनोमनेटर फर्स्ट सी एस ए देन टीएसए एंड द रेशियो इज वन इज टू टू एंड वन मोर थिंग टोटल सर्फेस एरिया इज सिक्स वन सिक्स ठीक है देन फाइन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड ठीक है so, सो बच्चों दो तीन तरीके हो सकते हैं इसको करने के सो लेट मी डिस्कस मेनली टू मेथड्स सो इन फर्स्ट मेथड दोनों तीनों समझा देती हूँ मैं जो भी अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो सो सी एस एस सी का रेशियो वन इज टू टू दिया हुआ है सो लेट्स राइट इट्स फॉर्मूले सीएसए लिखते हैं टू पाई आर एच और टी एस ए दैट इज टू पाई आर एंड ब्रैकेट एच प्लस आर इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू तो यहां से जो भी कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं देखो बच्चों टू पाई आर से पूरा पूरा टू पाई आर कैंसिल हो रहा है एंड द रिमेनिंग इज एच अपॉन एच प्लस वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो उससे टू का मल्टीप्लाई एच में हो जाएगा सो इट विल बी टू एच इज इक्वल्स टू एच प्लस आर ठीक है ये वाला एच यहाँ माइनस में जाता है सो फाइनली वी आर गेटिंग एच इज इक्वल्स टू आर सो ये काफी काम की चीज हमारे पास आ गई है सो so अब हमें टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू पता है सिक्स वन सिक्स ठीक है तो टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू टू पाई आर एच प्लस आर दिस इज टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला और उसकी वैल्यू है सिक्स वन सिक्स ठीक है इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं अब इस फॉर्मूले में इन प्लेस ऑफ एच लेट्स राइट आर सो दिस विल बी टू पाई आर एंड आर प्लस आर सिक्स वन सिक्स एज इट इज टू so, आर R R yeah, आएगा ना यहाँ से एड करके टू आर आर और आर को एड करके सो so, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू झोर पाई एंड आर स्क्र सो फाइनली आपको मिलेगा फोर पाई आर स्क्वाज इक्वल्स टू सिक्स वन सिक्स यहां से हमें सॉल्व करके आर की वैल्यू सेवन मिल जाएगी और एच और आर दोनों इक्वल हैं तो एच भी सेवन हो जाएगा सो लेट्स लुक इन क्वेश्चन फाइंड आउट क्या करना है देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर तो ठीक है सीधे सीधे वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए वॉल्यूम पाई आर है इन प्लेस ऑफ पाई ट्वेंटी एंड देन अगेन सेवन सो ट्वेंटी टू अपॉन सेवन एंड सेवन एंड सेवन एंड सेवन एक सेवन कट हो जाता है सो ऑन मल्टीप्लीकेशन वी आर गेटिंग वन जीरो सेवन एट एंड यूनिट इज गोइंग ऑन सेंटीमीटर वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ठीक है तो लेट्स सी द ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सही आ रहा है ओके एज आई टोल्ड अर्लियर लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड मेथड दूसरे मेथड की बात करते हैं दैट हाउ कैन वी प्रोसीड इन दिस सो सी एस एंड टी एस ए रेशियो इज गिवन ठीक है यहाँ पे सीएसए अपॉन टी एस ए की वैल्यू लिख लेते हैं सिक्स वन सिक्स ठीक है जो भी वैल्यू दी होगी वो वैल्यू रख लेते हैं इज इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू ठीक है सो नाउ वेन वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो सिक्स वन सिक्स यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा सो बाई दिस सी एस एज इक्वल टू सिक्स वन सिक्स अपॉन टू ठीक है तो सी एस ए की वैल्यू हमें मिल जाती है सी एस ए वी आर गेटिंग थ्री जीरो एट ठीक है अब सी एस ए की वैल्यू आपको मिल गई तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं सीएसए एंड टी एस है सी एस ए का फॉर्मूला क्या था हमारे पास चलिए यहीं लिख लेते हैं थोड़ा सा स्पेस सेव कर लेते हैं सी था टू पाई आर एच ओके एंड टी एस टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर ये टी होता है और उसका वैल्यू सिक्स वन सिक्स दिया हुआ है ठीक सो so, हम इक्वेशन वन की हेल्प से सी एस टू पाई आर एच का वैल्यू थ्री जीरो एट है ना सी एस ए का जो वैल्यू थ्री जीरो एट आया है क्या हम वो वैल्यू यहाँ पे टी एस ए में यूज कर सकते हैं कैन यूज इट तो सी एस सी के प्लेस पे टू पाई आर एच के प्लेस पे लिख देते हैं थ्री जीरो एट प्लस टू पाई आर इज़ इक्वल टू सिक्स वन सिक्स तो इससे क्या होता है कि ये थ्री जीरो एट यहाँ माइनस में जाएगा ठीक है तो टू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी चलिए इसको सॉल्व करते हैं पाई हो गया ट्वेंटी टू सेवन आर इज सिक्स वन सिक्स माइनस थ्री जीरो एट सब करके वापस थ्री जीरो एट ही मिलेगा हमें ठीक है तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं आर की वैल्यू तो सेम ही आएगी जो पहले आई थी आर का वैल्यू यहां से आपको सेवन मिल जाता है ओके अब ये आर की वैल्यू अगर हम सीएसए में यूज करें या टी एस सी में भी कर सकते हो बट सी एस सी में यूज करोगे तो ज्यादा ईजी रहेगा है ना वो टेन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे आर की वैल्यू सेवन आर के प्लेस पे सेवन लिखते हैं तो वहां से हमें एच भी कितना मिल जाएगा सेवन मिल जाएगा मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे फर्स्ट मेथड से हमने कैलकुलेट कर रखा है ठीक है so, सो आर का वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे आर के प्लेस पे सेवन रखेंगे तो सॉल्व करके एच भी सेवन आ जाएगा एंड आफ्टर गेटिंग दीज टू वैल्यूज दोनों वैल्यू आपके पास आ गई है तो वॉल्यूम को सॉल्व कर लीजिए ठीक है so, सो इस तरह से भी कर सकते हैं कि फॉर्मूला रेशियो में लिख लीजिए कैंसिल होके एच और आर में एक रिलेशन आ जाएगा फिर उसको यूज करके हम वैल्यू निकाल देते हैं या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि सी एस ए रेशियो की हेल्प से रेशियो में टी एस ए का वैल्यू रखा वहाँ से सी एस ए का वैल्यू आ गया और फिर सी एस ए का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं ठीक है और ये वैल्यू जो टू बाई आर एच सी एस ए थ्री जीरो एट है ये वैल्यू हम टी एस ए वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी तो बच्चों आपको दोनों में से जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगे डू प्रैक्टिस फॉर दैट मेथड लेट सी क्वेश्चन सिलेंडर की बात हो रही है फिर से रेडियस इज हाफ एंड डबल मतलब पहले के कंपैरिजन में है ना तो एक तो ओरिजिनल मान लेते हैं और एक नया वाला मान लेते हैं दो सिलेंडर हमारे पास हो गए ओरिजिनल सिलेंडर ओरिजिनल सिलेंडर में रेडियस नोटेशन इनिशियली देते हैं रेडियस आर और हाइट एच ठीक है, सेकेंड सिलेंडर के लिए नए सिलेंडर के लिए क्या कंडीशन है इफ रेडियस इज हाफ मतलब इस बार रेडियस जो है वो आर बाई टू हो गई है एंड हाइट इज डबल एच के प्लेस पे लिखना है टू एच ठीक है बच्चों पहले रेडियस आर और एच थी अब रेडियस आर अपॉन टू और टू एच हो गई है सिंपल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज लिख दी है देन वॉल्यूम विल बी मतलब पहले वॉल्यूम कितना था आपके पास V1 कितना था पाई आर स्क्वायर एच और अब नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा अगर हम उसको V2 नोटेशन दे देते हैं तो पहले के कंपैरिजन में नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा मतलब डबल ट्रिपल हाफ या जो भी ऑप्शंस में है सो वी हैव टू फाइंड अ करेक्ट वन सो इनिशियली V1 जो था पाई आर स्क्वायर एच था नया वॉल्यूम पाई आर रेडियस के प्लेस पे क्या लिखना है आर बाई टू और हाइट के प्लेस पे लिखना है टू एच ठीक है थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं होल स्क्वायर तो आर का भी स्क्वायर होगा टू का भी स्क्वायर होगा एंड टू एच ठीक है मुझे वी वन से कंपेयर करना है सो वी वन से कंपेयर कीजिए इसको वी आर गेटिंग ये टू डिवाइड में आएगा एक टू डिवाइड वाला बच जाएगा एंड इट इज पाई आर ठीक है सो पाई आर स्क्वाच जो है ये तो पहले वाली ही वैल्यू है हमारे पास ठीक है सो न्यू वॉल्यूम v2 जो हमारे पास आ रहा है दैट इज हाफ और पाई आर स्क्वाच के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं v1 ठीक है so, सो नया वॉल्यूम v2 जो है न्यू वॉल्यूम क्या नजर आ रहा है हमें वन अपॉइंट टू मतलब हाफ ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम ठीक है नया वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम का हाफ मतलब सी ऑप्शन सही हो गया ठीक है बच्चों आप लोग जैसे अभी हमने करने का तरीका सीख लिया बट ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि आर के प्लेस पे आर बाई टू हो गया एच के प्लेस पे टू एच हो गया जब हम आर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे टू टाइम्स टू आ जाएगा है ना दो बार आ जाएगा ना पाई आर स्क्वायर मतलब आर बाई टू आर बाई टू और टू एच तो एक टू कटेगा और एक टू डिवाइड में बचेगा है ना वन टू विल इन डिनोमिनेटर मतलब सीधा है कि वॉल्यूम जो है वो क्या होना है हाफ होना है ठीक है सो रफली अगर आप करना चाहें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है दस सॉल्यूशन आई एम गिविंग कि अगर ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन या सब्जेक्टिव की तरह से पूछा जाता है तो आपको सॉल्यूशन भी करना आना चाहिए दैट्स वाई आई एम गिविंग सॉल्यूशन नहीं तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो आप लोग एक टू डिवाइड में बच रहा है मतलब हाफ हो जाएगा इसी क्वेश्चन में अगर हमें बोलते सेम यही लैंग्वेज है क्वेश्चन नंबर वाली इफ द रेडियस इज डबल रेडियस को डबल करते हाइट को हाफ कर दिया तो आप डायरेक्टली सोचो कि पहले वाला वॉल्यूम इनिशियली क्या है पाईआर स्क्वायर एच ये तो पहले ओरिजिनल वॉल्यूम सेम टू सेम ओरिजिनल तो ये है नया वॉल्यूम हाइट नए वॉल्यूम में रेडियस को डबल किया है मतलब आर के प्लेस पे टू आर और एच के प्लेस पे एच बाई टू तो इस बार जो एक टू है वो कहाँ पे बचेगा हमारे पास वन टू लेफ्ट इन मल्टीप्लीकेशन है ना बाई टू से एक टू कट जाएगा ओके okay? सो so, एक टू कहाँ बचेगा मल्टीप्लाई में तो डायरेक्टली हम लोग आंसर लिख सकते हैं कि नया वॉल्यूम जो होगा नया सिलेंडर जो बनेगा उसका वॉल्यूम पहले वाले से डबल होगा ठीक है विल लेफ्ट ना सो इसको लिखेंगे अगर आप पाई टू आर टू आर एन एच बाई तो एक टू मल्टीप्लाई में बचेगा मीन्स वॉल्यूम डबल हो जाएगा ठीक है लेट सी इट्स क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री नंबर ऑफ कॉइंट वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर थिक टू बी मेल्टेड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट टेन 4.5। जब भी ये मेल्टेड वाला वर्ड आपको दिखाई दे जाए तो एक शेप उसको मेल्ट करके दूसरा शेप बनाया जा रहा है ठीक है सो हमेशा वॉल्यूम को हमें सेम लिखना है दोनों सिचुएशन में क्या होता है कि वॉल्यूम विल रिमेन सेम तो दे नंबर ऑफ कॉइंट तो एक तो सीधा सीधा तरीका ये है कि नंबर ऑफ थिंग्स आपको निकालने का समझाया हुआ है मेनी टाइम्स ठीक so, है सो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं ये सबसे आसान तरीका है ठीक है अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है मतलब आपके पास छोटे छोटे कॉइन्स जैसे होते हैं जिनका हाइट बहुत कम मान के चलेंगे है ना हाइट तो उनका लगभग बहुत ही कम होता है कॉइन्स का बट आप लोगों ने बहुत सीवार किया भी होगा अगर आप कॉइंस को एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारी कॉइन्स रखेंगे सो यू कैन फाइंड आउट यू कैन फील दैट इट्स द शेप ऑफ सिलेंडर ठीक है तो जो कॉइन है वो भी एक तरह से सिलेंडर की ही शेप है ठीक है जिसकी हाइट बहुत कम होती है तो अगर हम ऑब्जर्व करें उसकी हाइट कंपेरेटिव काफी कम होती है तो यहाँ पे कॉइन का 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर तो बच्चों रेडियस लिख लें डायरेक्टली 1.5 पॉइंट फाइव टू ठीक है डेसिमल हटाते हैं थ्री अपॉन फोर ऐसे आ जाएगा डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव थ्री फाइव फोर है बच्चों मैं कॉइन के लिए मैंने स्मॉल आर स्मॉल एच नोटेशन दिया है बात करते हैं सिलेंडर की इनको मेल्ट करके एक सिलेंडर बन रहा है काफी सारे कॉइन्स हैं सिलेंडर फॉर्म हो रहा है जिसकी रेडियस आई एम नोटिंग इट विद कैपिटल आर ठीक है सो डायमीटर 4.5 दैट इज 4.5 पॉइंट फाइव अपॉन टू पेमल हटाइए जीरो लगाइए इट्स 9 अपॉन 4 और हाइट जो है वो 10 दिया हुआ है ठीक है सो इफ यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला बिगर वॉल्यूम अपॉन स्मॉलर वॉल्यूम तो बिगर तो सिलेंडर है बिगर वॉल्यूम so, हो जाएगा पाई आर स्क्वाच एंड स्मॉलर वॉल्यूम पाई आर स्क्वाच ठीक है पाई से पाई कट हो जाता है सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज सो कैपिटल आर इज नाइन अपॉन फोर नाइन अपॉन फोर इंटू टेन ओके एंड स्मॉल आर इज थ्री अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर एंड एच इजीरो पॉइंट टू एक बार यूनिट्स पे भी नज़र दौड़ा लेते हैं वही यूनिट्स से सेंटीमीटर 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 ठीक है बात सही बनने वाली है अब आप देखो ये जो फोर और फोर यहाँ पे है ये वाले फोर सबसे ऊपर जाएंगे जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे आराम से ठीक है तो फाइनली इट्स नाइन इंटू नाइन इंटू टेन अपॉन थ्री इंटू थ्री इंटू जीरो पॉइंट टू ये डेसिमल हटाते हैं ऊपर टेन आ जाता है थ्री थ्री ज नाइन ठीक है सो दिस टू फाइव जन फाइव जोटी फाइव सो फोर फिफ्टी कॉइंस ऑल टूगेदर आ रहे हैं हमारे पास ठीक है बी ऑप्शन आराम से इजीली हमें मिल गया सो so, एक तो तरीका ये हुआ नंबर ऑफ कॉइंस बिगर वॉल्यूम अपॉन स्मॉलर वॉल्यूम इक्वल हो गए एक और तरीके से आप इसको इनिशिएट कर सकते हो क्वेश्चन को ठीक है आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स हाउ मेनी क्वाइंस आर रिक्वायर्ड कितनी कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले क्वाइंस ही मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू एन नंबर एन मान लेते हैं ठीक है अब कॉइन्स को मेल्ट करके बड़ा सिलेंडर बनाया जा रहा है सो so, बच्चों कॉइन्स को मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया जा रहा है तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमने मान लिया एन ठीक है मेल्ट करके वॉल्यूम सेम रहेगा सो वी कैन इनिशिएट लाइक वॉल्यूम ऑफ एन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना क्योंकि इतनी coins को मेल्ट करके एक सिलेंडर बन रहा है तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहना चाहिए ना अब एन कॉइंस का वॉल्यूम है तो एन से मल्टीप्लाई करते हैं इज द शेप ऑफ सिलेंडर सो लेट्स राइट डाउन पाई आर स्क्र एच इज इक्वल्स टू बिगर सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच पॉइंट के लिए स्मॉल आर स्मॉल एच नोटेशन था सिलेंडर के लिए कैपिटल आर कैपिटल एच पाई से पाई कैंसल हो जाएगा ठीक है उसके बाद वैल्यूज रखनी है और आंसर तो सेम ही वही आना है सो एन एन इन प्लेस ऑफ आर स्मॉल आर थ्री अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर जीरो पॉइंट टू इज़ इक्वल्स टू कैपिटल आर नाइन अपॉन फोर नाइन अपॉन फोर एंड हाइट टेन ठीक है सो डिनोमिनेटर फोर फोर कैंसल सिंप्लीफाई करके एन तो फिर भी आंसर तो फोर फिफ्टी ही आना है सो so, दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे ये तो हमारा पुराना रटा रटाया मेथड है बिगर वॉल्यूम डिवाइड बाय स्मॉलर वॉल्यूम ठीक है जब भी नंबर निकालना होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 द रेडियस ऑफ अ वायर इजDecreased to 1/3 रेडियस को 1/3 कर दिया है एंड वॉल्यूम रिमेंस द सेम वॉल्यूम को सेम ही रखा है देन लेंथ विल बी लेंथ मतलब हाइट का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है ठीक है तो इस क्वेश्चन में रेडियस को डिक्रीज किया है वन थर्ड सो फर्स्ट मतलब ओरिजिनल वायर है तो वायर लिख देते हैं एंड देन न्यू वायर ओरिजिनल वायर के लिए रेडियस लिखते हैं आर वन हाइट लिखते हैं एच वन ओके आर वन को हम आर ही कह देते हैं नया वायर रेडियस आर टू हाइट एच टू अब नए वायर की जो रेडियस है इट इज डिक्रीज टू वन थर्ड मतलब आर अपॉन थ्री लिखते वन थर्ड आर अपॉन थ्री हाइट कितनी है वो हमें नहीं पता है ना एच वन नहीं पता है एच टू नहीं पता है और हमें क्या फाइंड आउट करना है लेंथ विल बिकम मतलब एच टू जो है एच वन के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा नया हाइट कितना हो जाएगा तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि एच वन और एच टू का रेशियो हमें चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है वॉल्यूम रिमेन सेम वी वन इज इक्वल्स टू वी टू ठीक है चलिए वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम सेम का ही फॉर्मूला लिखते हैं इसी को इनिशिएट करते हैं पाई आर वन स्क्र एच टू पाई से पाई तो हो गई एक पाई यहाँ था एक पाई यहाँ था तो पाई से पाई खो गया <laughs> खोया पाया हो खो गया चलिए आर वन के प्लेस पे लिखते हैं आर स्क्वायर एच वन इज टू इस वाले आर टू के प्लेस पे लिखते हैं आर अपॉन थ्री स्क्र एंड एच टू ओके चलिए देखते हैं फिर ये क्या हो जाता है एच वन इजिक्वल्स टू आर स्कर अपॉन नाइन एंड एच टू आर स्क्र भी आर स्क्वेयर से कैंसिल हो जाता है वी हैव टू टेल न्यू लेंथ बिगम मतलब पुराने वाले से ओरिजिनल लेंथ से वो कितना हो जाएगा ठीक है मीन्स एच टू आई वॉन्ट एच टू को अगर हम सॉल्व करें तो नाइन यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा इट विल बी नाइन एच वन मतलब नया हाइट एच टू न्यू हाइट था ना न्यू लेंथ और वन क्या था ओरिजिनल सो न्यू लेंथ बिकम नाइन टाइम्स द ओरिजिनल तो न्यू लेंथ बिकम नाइन टाइम्स डी ऑप्शन सही नजर आ रहे हैं डी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए लेट्स क्वेश्चन थर्टी फाइव ये थोड़ा इजी लग रहा है डायमीटर ऑफ अ रोलर वन मीटर लॉन्ग डायमीटर डायमी फोर सेंटीमीटर मतलब रेडियस हो जाती है एटी फोर टू बच्चों ये डायमीटर का बहुत खास ध्यान रखा करें कई बार बच्चे रेडियस के प्लेस पे एटी फोर लिख देते हैं तो पूरी मेहनत खराब हो जाती है तो दिस इज फोर्टी टू सेंटीमीटर रेडियस फोर्टी टू सेंटीमीटर है वन मीटर लॉन्ग तो लेंथ जो होगा इट विल वर्क लाइक हाइट ठीक है क्योंकि जो रोड रोलर है इट्स अरिजोंटल सिलेंडर ठीक है हॉरिजोंटली सिलेंडर की शेप है तो हॉरिजोंटली हम उसको लेंथ कहते हैं और इसी सिलेंडर को अगर वर्टिकल कर दिया जाए वर्टिकली रखा जाए तो यही डायमेंशन का हाइट का काम करती है दोनों चीजें हमारे पास हो गई नाउ इट टेक फाइव हंड्रेड कम्प्लीट रिवॉल्यूशन टू लेवल अ प्ले ग्राउंड प्ले ग्राउंड को लेवल करने के लिए ये तो हमें पता है एक रिवॉल्यूशन में जो एरिया कवर्ड होता है एरिया लेवल्ड इन वन रिवॉल्यूशन बाय रोलर एक रिवॉल्यूशन में जो एरिया लेवल होता है मतलब प्लेन किया जाता है दैट इज इक्वल्स टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज टू पाई आर एच है ना और जो प्लेग्राउंड है उसको लेवल करने के लिए कितने राउंड्स लग रहे हैं फाइव हंड्रेड ठीक है सो एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू फाइव हंड्रेड एंड एरिया लेवल इन वन रिवॉल्यूशन ठीक है फाइव हंड्रेड इंटू टू बाई आर एच वैल्यू रख दीजिए सिंपल सॉल्व करके आंसर आ जाएगा टू इन प्लेस ऑफ पाई वी आर गोइंग टू राइट ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन रेडियस इज फोर्टी टू हाइट इज हंड्रेड सेवन सिक्स फोर्टी टू ठीक है सो so, मल्टीप्लाई करते हैं फाइव टू जट टेन एक जीरो यहाँ से मिलेगी तो ऑल टुगेदर वन टू थ्री फोर फाइव जीरो 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 दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर तो काफी बड़ा आ रहा है और यूनिट बहुत छोटा सा है जो आंसर ऑप्शन है वो भी मीटर स्क्वायर में है सो लेट्स कन्वर्ट इन मीटर स्क्वायर तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा दैट इज वन थ्री टू एंड इट्स वन टू थ्री फोर फाइव जीरो जीरो कर लिया कीजिए तो डिवाइड बाई हंड्रेड एंड हंड्रेड मीटर स्क्वेयर फोर जीरो कट हो जाएंगी टू थ्री फोर तो इट्स वन थ्री टू जीरो मीटर स्क्वेयर बी ऑप्शन सही सो इस वीडियो के लिए इतना ही नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए टेक केयर एंजॉय लाइफ एनजॉय मैथ्स एज इट्स इजी